आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ चिक आफ्टर इमर्सेस फ्रॉम द प्रोसेस इलस्ट्रेटेड द गिवन डायग्राम इज कॉल्ड। तो देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम रिप्रेजेंट करी है वो चिक से लेके ये एडल्ट कॉक हो या फिर हम बोलेंगे हेन, तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोला जाता है? तो ये होती है ग्रोथ प्रोसेस, ये होती है ग्रोथ। क्योंकि देखिए, ग्रोथ की अगर हम मीनिंग देखें तो बॉडी ग्रोथ मतलब क्यूमुलेटिव सम, ये होता है क्यूमुलेटिव सम ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, ऑफ सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल एनलार्जमेंट। हम बोल सकते हैं सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल एनलार्जमेंट हमें दिखेगा और इसे हम बोलेंगे ग्रोथ। तो यहाँ पे चिक का अगर आप साइज देखोगे और ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म कॉक या फिर हेन की अगर साइज देखोगे, तो इनमें जो इंक्रीज हुए सेल्स, तो इनमें टिश्यूज भी इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गया इनका मास। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें जो ये ग्रोथ की प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल ग्रोथ प्रोसेस हो गई है। कभी ये हेन वापस चिक नहीं बन सकता, तो ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये ग्रोथ हुई है चिक में। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर वन, ग्रोथ। बाकी एक्सक्रीशन ये गलत है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब एक्सक्रीशन होता है, ब्रीदिंग या फिर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इसे रेस्पिरेशन बोलते हैं, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करना या फिर वही खड़े रह के अपने बॉडी के पार्ट में मूवमेंट दिखाना या फिर हलचल दिखाना, इसे मूवमेंट बोलते हैं। तो ये भी गलत है, ग्रोथ ये सही ऑप्शन है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।